एमपीडीएमई की साइट पे परफॉर्मा कैसे देखें? तो सबसे पहले गूगल में टाइप करना एमपीडीएमई 2022, ठीक है। गूगल में टाइप करते से ही एमपीडीएमई 2022 ये इंटरफेस आएगा। ये है अपनी डीएमई की साइट, यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करते से ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ के देखिए, यहाँ लिखा है कि फर्स्ट राउंड की जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो क्रिएट प्रोफाइल में क्लिक करके यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। उसके बाद आपका आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, उसके थ्रू आप यहाँ से लॉगिन करके यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपकी डिटेल्स पूरी शो हो जाएगी। और इसके थ्रू आप अपना आगे का फॉर्म भर सकते हैं, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ये सारी प्रोसेस आप यहाँ से करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि जो भी लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन है इसमें क्या क्या आए हैं नोटिफिकेशन। तो इसमें प्रोफाइल क्रिएट कैसे करनी है उसका नोटिफिकेशन है, एडवाइजरी है कैंडिडेट के लिए कि आपको जो भी डाउट्स है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मेन जो दिक्कत आ रही है परफॉर्मा की, कि हमें कौन कौन से एफिडेविट बनाने हैं, कौन कौन से रिक्वायर्ड है, तो उसका जो फॉर्मेट है वो इस परफॉर्मा में दिया हुआ है, ठीक है। प्रोफॉर्मा, तो अब इसमें क्लिक करना, देखिए ये क्लिक किए, इसे डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारी प्रोसेस है कि सबसे पहले डीएमई की साइट पर गए, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके परफॉर्मा डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई है कि आपको कौन कौन से फॉर्म, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, ये सब यहाँ पे दिया है, ठीक। उसके बाद ये तो स्क्रूटनी, ये कॉलेज वालों के लिए, इसका अपने से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद देखिए, हाँ ये जो एमपी डोमिसाइल रखते हैं तो उनको जो एफिडेविट चाहिए उसका परफॉर्मा ये है, परफॉर्मा नंबर 7, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ₹100 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित। मीन्स बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम है कि हमने ₹50 के स्टाम्प पेपर में ये बनवा लिया, तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि आपको ₹100 के स्टाम्प पेपर में बनाना है, तो आपको 100 के स्टाम्प में बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये लगभग सेम ही है लास्ट ईयर टाइप, बस इसमें एक संशोधन ये हुआ है। यहाँ देखिए, संशोधन दिनांक 26 जुलाई 2022 को भली बात ही पढ़कर समझ लिया है, तो सिर्फ ये एक नई लाइन ऐड हुई है, बाकी लास्ट ईयर के टाइप ही सेम है। तो यदि आप इस ईयर के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको इस परफॉर्मा में जो भी लिखा है सेम ऐसे ही टाइप कराना है, और इसकी ₹100 के स्टाम्प पेपर में इसको प्रिंट करा के नोटरी करवानी है। तो ये आपको लगेगा एमपी के डोमिसाइल वाले बच्चों के लिए, ठीक। उसके बाद जो ये बंद पत्र का परफॉर्मा है, ये तो ठीक है, बाद में बनेगा, ठीक है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है सच, जब आप अपनी सीट लॉक करा लेते हैं उस टाइम इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद ये वचन पत्र, वचन पत्र मीन्स इसको हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये डिसिप्लिन एफिडेविट है, तो ये भी आप बनवा लेंगे सेम इसमें जो लिखा है इसी टाइप का, ये भी ₹100 के स्टाम्प पेपर में बनेगा। तो ये जो लिखा है ऐसा आप प्रिंट करवा लेंगे स्टाम्प पेपर में और उसकी नोटरी करा लेंगे। तो आपको ये परफॉर्मा नंबर 9 जो कि वचन पत्र के नाम से है, और जो परफॉर्मर नंबर 7 है, ये दो चीज़ें आपको बनवा के रखनी है। ये आपको काउंसलिंग में लगेगी, और अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो परफॉर्मर नंबर 7 तो आपको अपलोड भी करना होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और आप भी जल्दी से बना के अपनी काउंसलिंग पूरी कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग का समय आएगा। और भी आपकी कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। थैंक यू सो मच।